और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां बीकापुर तहसील के कर्मचारी इन दिनों नियमों को ताक पर रहकर धड़ल्ले से मनमानी पर उतारे हों, उनकी करतूत में स्थानीय पुलिस भी साथ खड़ी नजर आ रही है। ताजा मामला तारुण क्षेत्र की छोटी किसुनदासपुर से संबंधित है, जहां होमगार्ड की आबादी में स्थित निर्माण को स्थानीय लेखापाल ने पुलिस टीम को लेकर ध्वस्त कर दिया। मनमानी का आलम यह रहा कि परिजनों के द्वारा विरोध करने के बाद बुजुर्गों को साथ भी धक्का मुक्की की गई, बल्कि महिलाओं के साथ भी अभद्रता की गई। पीड़ित महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनके मकान की बाउंड्री वाल को लेखापाल कानूनगो के साथ आए पुलिस वालों ने जेसीबी से गिरवा दिया। बताते चले कि कुछ दिन पहले इसी बाउंड्री वाल को गिराने के निमित्त से स्थानीय पुलिस ने विरोधियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने की कार्रवाई भी की थी, और ऐसे में नियमों को ताक पर रखकर स्थानीय पुलिस के द्वारा की गई यह कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है। पीड़ित अंबिका यादव ने बताया कि 27 जून को लखनऊ में मुकदमे के सिलसिले गए हुए थे, तभी उन्हें फोन पर पत्नी के द्वारा जानकारी दी गई। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा करने से पहले ना तो उन्हें कोई नोटिस दी गई है और ना ही कोई अधिकारी और कर्मचारी कार्रवाई की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो रहा है। फिलहाल प्रशासन की दबंगई के चलते स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश दिखाई पड़ रहा है। विराट 24 न्यूज के लिए अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। पेट के यहाँ बाहर से कब्जा करके दीवार हमारे गिराए दे हैं। ये मकान उन गो रहे, रेखपाल रहे और वह दरोगा रहे और वह हरे कृष्णा रहे और विपक्षी मगरू और उनके लड़का दिनेश। ये वो 3:30 बजे जब आयन है, हम कहें बच्ची ना गिरावा जाए, आप कागज समझ ले। हमारे जो हस्बैंड हैं कागज लेकर आए तो हमको डंडा लेकर खदेड़ लिए, बैठक चलो थाने पर, चलो थाने पर। हम लोग डरा गई हम लोग। पुलिस वाले बोले कि इनका जीप मीना बैठाओ, मीना लेकर जाओ। वो डंडा लेकर जब खदेड़े तो हम लोग अपनी इज्जत बचा के हमको ला घर में घुसा दिया। हमारा श्रीमती सुदर्शन यादव थे और कानन गो लेखपाल, उनसे हम पूछे कि हमको ऑर्डर की कॉपी दिखाइए, और कॉपी नहीं दिखाई, जबरदस्ती। और 4-5 पुरुष सिपाही, 3 महिला सिपाही सब जेसीबी मशीन लेकर आए और तुरंत दीवार ढकेलना शुरू कर दिए। बोलने पर गाली गलौज दे रहे थे और धमकी दे रहे थे कि इनको जीप में बैठा कर ले के चलो। और कौन कौन थे? राजेश से नेकपाल और कानन गो थे। नेकपाल उदय राज तिवारी और कानन गो कानी। क्या क्या बोल रही है? एका पूछे बताऊ तैनारे घुड़कत रहे। हाँ, क्या